हाउ टू टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप अपने कंप्यूटर को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो उस बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपको बेशक पसंद आएंगी। तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले चीज़ आपको अपने कंप्यूटर में चेक करनी है कि आपके कंप्यूटर की रैम कितनी है। अगर आपके कंप्यूटर की रैम 2GB रैम है तो बहुत अच्छे है। अगर आपके कंप्यूटर की 4GB है, 8GB है, 16GB है, 8GB रैम है तो उसके अंदर आपको ऑप्टिमाइज़ करने की आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट 8GB रैम इतनी अच्छी, मतलब इतने अच्छे से काम करती है कंप्यूटर के अंदर कि उसमें आपको कोई भी ऑप्टिमाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहली चीज़ आपको जो करना है, जैसे आप अगर विंडो 7 यूज़र है, विंडो 8 यूज़र है या फिर विंडो 10 यूज़र है। अगर आप विंडो 7 यूज़र है तो इधर आप लेफ्ट स्टार्ट पे आप क्लिक करिएगा। स्टार्ट आइकन जो विंडो आइकन है आपके स्क्रीन के अंदर, उसमें आपको एक कंप्यूटर का ऑप्शन मिलेगा। कंप्यूटर ऑप्शन पे राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये लास्ट ऑप्शन जो प्रॉपर्टी का दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सी विंडो आप यूज़ कर रहे हैं। विंडो 7 रेटिंग्स आ जाएंगे आपके विंडो की, प्रोसेसर जो आप यूज़ कर रहे हैं, रैम, सिस्टम टाइप और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में 4GB रैम है। तो अगर आप विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं या विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड पे विंडो आइकन को प्रेस करिएगा, होल्ड करिएगा, उस आइकन को प्रेस करिएगा, दबा के रखिएगा और उसके साथ ई दबाइएगा, ई एज एन एलिफेंट। और उसके बाद आपको ये विंडो पॉपअप आएगा आपके सामने। तो जब ये आएगा आपके सामने तो यहाँ पे आप कंप्यूटर देख सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट आइकन ऑप्शन वही मिलेगा प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करिएगा। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन हो यहाँ पे देखेंगे जो कि जिसमें होगा एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग। आप एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर पूछ सकता है रिक्वेस्ट। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में कुछ सिक्योरिटीज अपडेट कर रखी है जिसकी वजह से मेरा कंप्यूटर हर एक चीज़ को अपडेट करने से पहले मुझसे पूछता है। इसके अंदर आपको जैसे आप देख सकते हैं सिस्टम प्रॉपर्टी, सिस्टम प्रॉपर्टी के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, परफॉर्मेंस मिल रहा है, यूज़र प्रोफाइल मिल रहा है। तो आपको परफॉर्मेंस में जाना है, जिसके अंदर विजुअल इफेक्ट, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेज एंड वर्चुअल मेमोरी है। सेटिंग्स पे क्लिक करिएगा। जैसे आप देख सकते हैं इधर कि मेरे पास चार ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें से आपकी विंडो में ये ऑप्शन होगा सिलेक्टेड, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा, लेट विंडो चूज व्हाट्स ऑप्शन बेस्ट फॉर योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के लिए कौन सा सेटिंग्स बेस्ट है आपके कंप्यूटर के लिए, वो आपके विंडो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रखा होगा। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने इसमें कस्टम में सेलेक्ट कर रखा है ताकि मेरा कंप्यूटर मेरे हिसाब से काम कर सके, सिर्फ वही चीज़ें काम करें मेरे कंप्यूटर में जो कि मैं चाहता हूँ परफेक्टली। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर भी आपके कंप्यूटर की तरह ही लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनसेलेक्टेड है, जो कि मैंने कस्टम में सेलेक्ट कर रखी है। आप इसमें एडजस्ट वो बेस्ट अपीयरेंस भी कर सकते हैं ताकि आपका कंप्यूटर और ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब ऑल सारे ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए, या फिर आप बेस्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर रखे हैं, जैसे कि अनेबल डेस्कटॉप कंपोजन, अनेबल ट्रांसपेरेंट ग्लास और अदर ऑप्शंस। जितने भी ऑप्शन है मैंने जो यहाँ पे सेलेक्ट कर रखे हैं आप देख सकते हैं, आप चाहें तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है आप उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट जो विजुअल इफ़ेक्ट्स में आपको करना ज़रूरी है आपके कंप्यूटर्स में। आपको और भी वीडियोस आप देखेंगे जिसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जिसके अंदर वो आपको बताएंगे कि आप अपने कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी को, ड्राइव को, वर्चुअल मेमोरी को सेटिंग चेंज करिएगा। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वर्चुअल रैम में, वर्चुअल मेमोरी में अगर कोई सेटिंग चेंज करते हैं, जैसे कि वर्चुअल मेमोरी की सेटिंग कुछ कोडिंग्स कुछ इस तरीके से है कि आपको ये वो आपको बताएंगे कि ऑटोमेटिक मैनेज पेज को हटा दीजिएगा,
कस्टम में क्लिक करिएगा और जो जितनी भी रैम है उसको 1024 से मल्टीप्लाई करिएगा। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आप ऐसा कुछ मत करिएगा, क्योंकि जो भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है उसे ही रहने दीजिएगा। वर्चुअल मेमोरी के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है। जब भी आप रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे आपका कंप्यूटर क्रैश होता रहेगा, या फिर आप अपने दोस्त के कंप्यूटर में अगर ये चीज़ करेंगे तो आपके दोस्त का कंप्यूटर भी क्रैश हो जाएगा। तो बेटर है कि आप वर्चुअल मेमोरी में कोई सेटिंग चेंज ना करें। तो एक बार ये आपने विजुअल इफ़ेक्ट्स में सेटिंग कस्टम कर दी, इसके बाद अपने कंप्यूटर में रन ऑप्शन खोलिएगा, जो कि आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आप रन टाइप करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर लिखिएगा MS config के बाद ओके क्लिक करिएगा। ओके क्लिक करने के बाद आपको ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपको बूट ऑप्शन के अंदर जाना है। बूट ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस का बटन मिलेगा, जिसमें आप क्लिक करेगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर जो आपके प्रोसेसर होंगे वो 1 होगा या 2 होगा, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपके में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो आप नंबर ऑफ प्रोसेसर पे क्लिक करेगा और मैक्सिमम प्रोसेसर को सिलेक्ट करके ओके करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम मेमोरी पे क्लिक मत करिएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग लेगा आपके कंप्यूटर के अंदर जो है। और वीडियोस में आपको ये बताया गया होगा कि इसमें मैक्सिमम मेमोरी को सिलेक्ट करना चाहिए, जो मेरे हिसाब से आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। मेरे 2 कंप्यूटर में मैं यूज़ कर चुका हूँ और दोनों कंप्यूटर में नेगेटिव रिजल्ट्स आए, तो इस पर चेक मत करिएगा। प्रोसेसर आप बढ़ा सकते हैं जितने मैक्सिमम आपके कंप्यूटर में है, उसके बाद ओके करके आप अप्लाई क्लिक करिएगा, ओके कर दीजिएगा और रीस्टार्ट करके आप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।